हरे कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं, पुस्तक लिखने वाले हैं या सलाह से आज आपको पैसा मिलने वाला है, आपके घर में आजकल गाड़ी गूंजेगी, सहनाई बजेगी या निर्माण कार्य का योग बन रहा है, ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार से आपको अवगत कराएंगे। और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, ये भी बताएंगे। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, ये भी बताएंगे। और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी आज हम आपको बताएंगे। आपको कार्यक्रम मेरा पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको चतुर्दिक दृष्टिकोण से शुभ समाचार मिलेगा, नए तरह के कार्य होने के शुभ संकेत मिलेंगे, माली हालत अच्छी होगी, विरोधी परास्त होंगे, नए तरह के कार्यों से सफलता मिलेगी, राजनीति के क्षेत्र में किया गया कार्य आपको महत्वपूर्ण लाभ देगा, पुराने किए गए कार्यों से आज आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आप अच्छे सलाह देने से और कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे, टेक्निकल फील्ड में बड़ा कुछ कार्य करने का योग बन रहा है। आज आपके प्रतिद्वंदी आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे और खान पान पर नियंत्रण रखें। खान पान पर कोई भी चीज मिलता है स्वादिष्ट, आप ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवर ईटिंग करने से आपका पेट खराब हो सकता है, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने भाषा पर नियंत्रण रखें। जो भाषा आपको अप्रिय लगती है, जो वाणी आपको अप्रिय लगती है, जो व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता, इस तरह का व्यवहार, वाणी, विचार दूसरों के साथ ना करें तो अच्छा रहेगा। शत्रुओं से थोड़ा सा आज आपके मन में अज्ञात भय भी हो सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है। भाइयों से सुख मिलेगा और घर परिवार में अगर कोई आपकी बहन अविवाहित है या भाई अविवाहित है तो उसके विवाह होने का योग बन रहा है, और विवाहित है तो घर में नए मेहमान के आगमन की भी सूचना मिलेगी, नया समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा और घर में निर्माण कार्य होने का भी योग बन रहा है। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आपके विपक्ष में जा सकता है, तो उसमें केयरफुल रहें और अपनी गोपनीयता बरतें, गोपनीयता बरतना अच्छा रहेगा। पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आज आपकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलते हुए दिख रही है, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपना व्यवहार सामान्य रखें सबसे और बेवजह परेशान ना हो, असुरक्षा की भावना मन में डेवलप ना होने दें। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि गौशाला में जाकर के दाल भरी पूड़ी गाय को खिलावें और भगवान विष्णु जी की आराधना करें और ओम लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हल्दी कलर। हरे कृष्ण।